पीएम मोदी का आज से गुजरात में दो दिनों का चुनावी दौरा, आज 4 जनसभाएं करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे मेहसाणा और 3:30 बजे दाहोद में करेंगे जनसभा, शाम 5:30 बजे वडोदरा में करेंगे जनता को संबोधित। पीएम की शाम 7:30 बजे भावनगर में जनसभा, गुरुवार को भी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की आज गुजरात में तूफानी रैली, 1 हफ्ते में 3री बार गुजरात का दौरा करेंगे योगी। सीएम योगी आज दोपहर 12 बजे द्वारका में करेंगे जनसभा, 12:40 पर द्वारकाधीश के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। द्वारका के बाद कच्छ में सीएम योगी करेंगे जनसभा, 3:55 पर मोरबी में जनता को करेंगे संबोधित। सीएम योगी शाम को पहुंचेंगे सूरत, 6:30 बजे वारछा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज करेंगे गुजरात में चुनावी रैली, राजकोट, सुरेंद्रनगर और सूरत में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अहमदाबाद में संभालेंगे चुनाव प्रचार की कमान, 11 बजे स्वामीनारायण मंदिर के पास करेंगे जनसभा। गुजरात में देवेंद्र फडणवीस ने पीएम को राजनीति का शेर बताया, कहा कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। गुजरात में असम के सीएम ने कहा देश में समान नागरिक संहिता चाहिए और ये सिर्फ बीजेपी ला सकती है। गुजरात में कांग्रेस को झटका, पूर्व विधायक कामिनी बा राठौर बीजेपी में शामिल। जामनगर में रविंद्र जडेजा ने किया रोड शो, पत्नी रिवाबा के लिए वोट मांगा। वडोदरा में कांग्रेस उम्मीदवार का वीडियो वायरल, प्रचार के दौरान माला पहनाने आए लोगों को जेब से पैसे देने का आरोप। अशोक गहलोत ने कहा गुजरात में 33 और हिमाचल में 21 विधायक बगावत कर चुके हैं, पीएम की पार्टी पहले जैसी नहीं रही। केजरीवाल ने गुजरात के सीएम को बताया कठपुतली, कहा बीजेपी को जिताएंगे तो गरीबों का नहीं होगा भला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज करेगी हिंदी बेल्ट में प्रवेश, राहुल गांधी महाराष्ट्र से बुरहानपुर के पास मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे। 23 से 25 नवंबर को मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी, 26 नवंबर को कर सकती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम के मुख्यमंत्री का बयान, राहुल गांधी सद्दाम की तरह बनकर देश में घूम रहे हैं, गांधी के वंशज की छवि महात्मा गांधी या सरदार पटेल की तरह होनी चाहिए। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का आज होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, कल किया गया था प्री पॉलीग्राफिक टेस्ट। आफताब का कल ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट हुआ, मेडिकल कंडीशनिंग के बाद आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद तीन दिन के अंदर करना होगा नाको टेस्ट, 4थे दिन खत्म होगी आफताब की पुलिस कस्टडी। FSL के सहायक निदेशक ने कहा दिल्ली पुलिस और FSL की टीम कर रही पॉलीग्राफी टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का कबूलनामा, कोर्ट में कहा गुस्से में किया श्रद्धा का कत्ल। CFSL को आफताब के घर से मिले खून के धब्बों के निशान, बाथरूम में लगी टाइल्स से मिले खून के धब्बे। रफ नोट में श्रद्धा के शव के टुकड़ों का हिसाब किताब रखता था आफताब, इसी रफ नोट की मदद से बचे बॉडी पार्ट्स को ढूंढ रही है पुलिस। आफताब श्रद्धा का 3 बार हुआ ब्रेकअप के बाद अलग अलग रहने लगे थे दोनों, बाद में फ्लैटमेट की तरह रहने पर सहमति बनी। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली हाईकोर्ट का CBI जांच से इनकार, कहा CBI जांच की कोई वजह नजर नहीं आती। सोनभद्र में लव जिहाद का मामला सामने आया, शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर लड़की का किया यौन शोषण, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में सामूहिक विवाह का वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप, सभी जोड़ों को दिलाई गई हिंदू धर्म विरोधी शपथ। सभी जोड़ों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की भी दिलाई गई शपथ, जोड़ों ने बौद्ध धर्म में शामिल होने की शपथ ली। धर्म परिवर्तन के खिलाफ प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन, आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भरतपुर पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ केस दर्ज किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस का बड़ा एक्शन, PFI के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम अंसार को गिरफ्तार किया। अब्दुल सलाम पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप, FSL रिपोर्ट और जांच के बाद हुई गिरफ्तारी। 31 जनवरी 2021 को एक रैली के दौरान लगाए थे नारे, अब्दुल सलाम पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल से मांगा जवाब, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फिर सुनवाई। सत्येंद्र जैन ने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाना खाने की मांगी इजाजत, तत्काल मेडिकल चेकअप करवाने की अपील की। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज पर बीजेपी का सनसनीखेज खुलासा, रेप का आरोपी निकला मसाज करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट। IB मंत्रालय के सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता का दावा, मसाज करने वाले रिंकू पर पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज। सत्येंद्र जैन मामले में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करप्शन थेरेपी हुई। बीजेपी नेता गौरव भाटिया बोले अरविंद केजरीवाल को माफी मांगकर अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। जेल का वीडियो सामने आने के बाद भी बेशर्मी पर उतरी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस नेता अलका लांबा का बयान। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा आम आदमी पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा दावा, केंद्र सरकार हर महीने 15 से 16 लाख नौकरी पैदा कर रही है। रेल मंत्री ने अजमेर में CRPF के रोजगार मेले को संबोधित किया, कहा पूरी दुनिया में आर्थिक संकट में भारत संभावनाओं से भरे एक ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर कर आया। राजस्थान पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जयपुर रेलवे स्टेशन का किया दौरा। गुजरात के निकोल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा की, बीजेपी के लिए वोट मांगा। गुजरात के खेद ब्रह्मा में मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने रैली को किया संबोधित, बीजेपी के लिए वोट मांगा।
भारतीय सेना का बड़ा बयान, नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख बोले सेना पीओके पर एक्शन के लिए तैयार। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा अगर सरकार ऑर्डर देती है तो एक्शन होगा, अभी लॉन्च पैड्स पर करीब 160 आतंकवादी मौजूद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कश्मीर फाइट ब्लॉक को पाकिस्तान समर्थित बताया, कहा कड़ी कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 4 आतंकवादी गिरफ्तार। एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के आरोप पर आम आदमी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूटा, आप विधायक गुलाब सिंह को दौड़ाकर पीटा गया। दिल्ली पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव के खिलाफ दर्ज की FIR। अजय माकन ने कहा दिल्ली में बिजली को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार, राज्य में कमर्शियल रेट 16 रुपए पर यूनिट। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा एक तरफ काम करने वालों का प्रचार चल रहा है, दूसरी तरफ उन्हें बदनाम करने वालों का प्रचार जारी। मनीष सिसोदिया का ऐलान, एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली में आपकी 1000 नुक्कड़ सभाएं, एमसीडी में भी केजरीवाल की जीत का दावा किया। उड़िया फिल्म मेकर अक्षय परीजा भुवनेश्वर में ईडी ऑफिस में हुए पेश, हनी ट्रैप मामले में ईडी ने की पूछताछ। ईडी ने करीब 8 घंटे तक अक्षय से पूछताछ की, देर रात ईडी ऑफिस से बाहर निकले परीजा। नोएडा के सेक्टर 49 में खाना खाने गए दो पुलिसकर्मियों की रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ कहासुनी, पुलिस ने रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ की मारपीट। पुलिस की दादागिरी का वीडियो सामने आने के बाद हुआ एक्शन, दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। नोएडा के एडिशनल DCP ने कहा जांच के बाद दोनों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। भोपाल के MVM कॉलेज में किसान सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया संबोधित। शिवराज सिंह चौहान ने कहा बिना किसानों की मर्जी के उनकी कोई भी जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हर 3 महीने में होगा किसान मंच का आयोजन। उत्तराखंड के मसूरी में KMT स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित किया, कहा भारत अगले 25 साल में विकास का सबसे बड़ा डेल्टा है। अमेरिका की 4 महिला डिप्लोमैट्स ने ऑटो रिक्शा में किया दिल्ली का सफर, पर्सनलाइज्ड ऑटो रिक्शा का किया इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में लोगों ने किया प्रदर्शन, बारकेश्वर थर्मल पावर प्लांट में जॉब की मांग की। त्रिपुरा में चल रहा नशा मुक्ति अभियान, अगरतला में अवैध शराब दुकान के खिलाफ एक्शन। अवैध शराब की दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भंवर कुआं ब्रिज की नींव रखते हुए वो नजर आए, 47 करोड़ रुपए से होगा ब्रिज का निर्माण। काशी तमिल संगमम में आए लोगों ने अयोध्या में पूजा अर्चना की, राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के कामों को भी देखा। देश के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, 71,000 कैंडिडेट्स को सौंपा अपॉइंटमेंट लेटर। पीएम मोदी ने युवाओं से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की अपील की, कहा युवाओं की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, अगले 1 साल में 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, पीएम सौंपेंगे नौकरी का प्रमाण पत्र। पीएम के रोजगार कार्यक्रम पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, पूछा देश की आबादी के हिसाब से कितनी नौकरी दे रहे हैं। यूक्रेन के खेरसों से नागरिकों का पलायन जारी, सर्दियों में बिजली और पानी की किल्लत का खतरा मंडराया। अधिकारियों ने नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है, रूसी बमबारी में बिजली और पानी की सप्लाई ठप हुई। अमेरिका के जॉर्जिया में एक कैदी की जेल में पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, 3 पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए। ब्रिटेन में रेलवे की हड़ताल को जारी रखने की अपील, सरकार से बातचीत फेल होने के बाद 8 दिन के लिए बढ़ाई गई हड़ताल। भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच टाई रहा, टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज जीती। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने से हार्दिक पांड्या खुश, बोले विकेट पर अटैक ही बचाव था। नेपियर में बारिश के कारण धुले तीसरे T20 पर बोले टिम सऊदी, मैच में कुछ भी हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 221 रनों से हराया, सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज स्टुअरमैन हुए चोटिल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। फीफा वर्ल्ड कप में आज 4 मैच खेले जाएंगे, फ्रांस से भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को और क्रोएशिया के बीच होगा मुकाबला। जर्मनी और जापान के बीच होगी भिड़ंत, स्पेन और कोस्टारिका होंगे आमने सामने। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर, अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने 2-1 से हरा दिया। सऊदी अरब के समर्थकों ने अर्जेंटीना के खिलाफ मिली जीत का जश्न मनाया, खुशी में जमकर डांस किया। वेल्स और अमेरिका के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा, डेनमार्क ट्यूनिशिया की टीम नहीं कर पाई एक भी गोल, मैच 0-0 से हुआ ड्रॉ। पोलैंड और मैक्सिको के बीच मैच ड्रॉ, दोनों टीम एक भी गोल नहीं कर पाई। फीफा वर्ल्ड कप के बीच बड़ी खबर, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंग्लैंड के क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से तत्काल प्रभाव से अलग हो गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खबर की पुष्टि की, कहा आपसी समझौते के आधार पर अलग हुए हैं रोनाल्डो, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माता निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग सम्मानित हुए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे गए। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुडबाय ने किया OTT का रुख, 2 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी फिल्म रिलीज। इमरान हाशमी की फिल्म मिलिट्री थ्रिलर फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग हुई पूरी, इमरान ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। गोवा फिल्म फेस्टिवल में कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग, अभिनेता अनुपम खेर भी हुए शामिल। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।